जाना रब को, उन्हें खड़ा कर लेना सामने, तू बड़ा चलाक बनया सी। तो रसूल करीम अलैहि सलातो सलाम खुतबा दे रहे थे, इसी तरह महफिल और कैसा जमाना होगा। चमन के तख्त पर जिस नम शह गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलों की फौज थी, एक शोर था। मस्जिद नबी दा मेंबर दीवाने बैठे, गुलाब दा फुल दरम्यान च परवाने जमा, अल्लाह दे रसूल दी महफिल। तो रसूल्ला खुतबा दिंदा फरमाया कि तुहाडे कोल हुण एक शख्स मस्जिद दाखिल होने वाला जिहदी पेशानी ते बादशाह दा नूर है, शाही खानदान चों यमन चों टुरिया, बहुत खूबसूरत। उलमा लिखदे बेस उम्मत अगर यूसुफ अलैहि सलाम वेखना होवे ते जरीर नूं वेखो, एडा सोहना जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजरी। जदों आए हजूर ने बाद छड़ दिता, थले कुर्सी मंगाई, बह गए, जरीर नूं भी कोल बिठाया, दीने इस्लाम उन्हें कबूल किया। तीन इकरार आपने लाए, सही बुखारी के अंदर है, तीन इकरार सिर्फ हजूर ने लाया कि जरीर नमाज बाकायदगी अदा करनी है, वक्त सिर करनी है, ठीक तरीके ना करनी, जकात देना अपने माल की जकात जी खानत नहीं करनी, वन नुसे कुरले मुसे, तो जिन्हें भी कलमा पढ़िया इन उस भरा नाल खैर खाई करनी है, खोट नहीं करनी। तो मामे तबरानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे रसूल करीम अलैहि सलाम तो बाद वक्त आया, जरीर बड़े मालदार गुलाम उन्हों का बहर फिरदा सी जंगल च, उत्थे एक बदवी मिलिया देहाती, उन्हें आख्या मैनूं घोड़ा चाहिए, उन्हें आख्या मेरे मालिक घोड़ा, सौदा कर लिया। सौदा करके जैसे हजरत जरीर को लिया तो कह लगा हजरत लै लो 800 दिरहम मेरे को घोड़ा दे। आपने गल सुनी तो फरमाया मेरा घोड़ा इन्ने का नहीं। बंदे ने दुनिया के हिसाब ना समझिया, तो पैसे थोड़े जरीर ज़्यादा मंगता, उन्हें आख्या कुछ और उधारो, फरमाया नहीं भाई गलत समझिया, घोड़ा 800 महंगा। तो समझ आने वाली गल है, किसी की खोपड़ी च समा सकती, दुनिया च योजा भी लोग रहे जेडे इदा सौदा करते, 600 फरमाया नहीं, 400 नहीं, 200 से गल आई, फरमाया हाँ 200 रुपया दे दे घोड़ा लै। तो लोगों आख्या जरीर ऐसा उल्टा कम, फरमाया जो अल्लाह के रसूल नाल बैत की थी ना, उस जरा आख्या वन सैल कुल मसल, हर मुसलमान की खैर खाई करनी है, यारो वादा जोड़ा सी वह बेड़ा कर खोल, पैसा की करना सी, और मेरा ऐदर वादा खत्म हो जाना सी, मैं एक मुसलमान ना खैर खाई नहीं सी कर रहा, धोखा कर। इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाह तहजीब उत तहजीब लिख दे, अल्लाह के एक नेक बंदे बहुत हदीसा के रावी यूनुस इब्ने उबैद, एडा नेक सी फरमाते जे किसी इलाके की दुआ ना सुनी जानी, तो लोगों ने फिर हवाला देना ए यूनुस इब्ने उबैद दे रब, फिर यहोजा बात करे बंदे उन्होंने रब है। अल्लाह सुन नमाज पढ़ चले गए, भतीजा दुकान पर बैठा सी, दुकान सी कपड़े, कोई देहाती आया कपड़ा दिता उन्होंने, खुश खुश लैके तुरै चलना, आप नमाज पढ़ के निकले बाजार वेख्या, उन्होंने आख्या कपड़ा किन्ने का लिया, पहचान लिया दुकान अपनी, उन्हें आख्या इन्हें नाल लिया, और भतीजे ने आके आख्या यूनुस की सारी उम्र की मेहनत जी उन्होंने तू बर्बाद कर देने लगा, मेरे माल के अंदर हराम लाता, तेन नहीं पता भी असं इन्हें का नहीं बेचते, उन्होंने जी इन्हू पुछ लो, बड़ा खुश है वह भी आखे साडे इलाके की दो महंगा, अपने फरमाया नहीं बेटा मामला है नहीं, मैं जब जानना दसी इतने इन्हें का बेचते इन्हें ना मुराद ने ज्यादा पैसे क्यों ल, इस तो अला फरमा इन्नी बीमार तमलू नी पाक रोजी खाओ तो नेक कम करो, फिर थोड़ी भी नेकी होगी तो बिल्कुल अला जहाँ पहाड़ा वागू गिनी जानी खैर हो जानी है, तो नहीं तो पहाड़ा जिड़िया नमाजा तो रोजा के ढेर आने तो अला ने चिंगारी थले रख के उन्होंने जया सिलाई ला देनी तो पक करके उठ जाए, कख भी नहीं लभना बंदे। इस तरह अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम ने एक दिन आख्या लोगो मैनु दसो कि तुम मुफलिस किनू आते गरीब चंगाल, लोगों ने आख्या अल्लाह के रसूल जिस को दर मर दीरार रुपया पैसा नहीं दुनिया के हिसाब ना ही गल, फिर मैं नहीं ये कोई मुफलिस नहीं, मुफलिस वो होना जिन्हें दिन क्यामत दे आना नमाजा उसको बहुत होनी है, रोजे होने हज होने बहुत नेकी होनी, मगर ये किसी ने गाल कढ़ी होनी है, किसी ने मारिया होना, किसी का हक दबाया होना, वो आ जाने उन्हें आखना अल्लाह साडा हिसाब पहला ये कर जन्नत फिर भेजी। तो रसूल करीम अलैहि सलाम ने फरमाया उन्हें हिसाब उत्थे कदना करना, पैसे तो पल्ले नहीं होने, अल्लाह ने आखना इतनी नेकियां तो जिन्हिया चाहते ले जाओ लुट लो जिन्ना लुटिया जाना। जदों हजूर फरमा रहा टप टप हजूर जान सुगिरदे दाड़ी मुबारक रोंद तर हो गई,
ਜੋਸੇ ਬੇਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਬਦਨਸੀਬ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਲ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇ ਅਮਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਚੁੱਕੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੋ ਜਹਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ, ਰਿਸਕੇ ਹਲਾਲ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸੂਰਾ ਮਾਇਦਾ